22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लालू यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्रा सीट से राजद उम्मीदवार मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीसा भारती पर आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल यह मामला बिना इजाजत रोड शो करने का है। बिना परमिशन के रोड शो करने के मामले में मीसा भारती के खिलाफ मनेर थाने में आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ है। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश पर चुनाव ऑब्जर्वर ने यह मामला दर्ज कराया है। मीसा भारती की मुश्किलें आसान होती नजर नहीं आ रही हैं और इस मामले के दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीसा भारती पहले ही मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं पाटलिपुत्रा सीट से, क्योंकि यहाँ उनकी लड़ाई आसान नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव से उनकी लड़ाई है। यहाँ सीधा मुकाबला रामकृपाल यादव से है और रामकृपाल यादव ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मीसा भारती को मात दी थी। और पाटलिपुत्रा सीट का जो इतिहास है वो बताता है कि मीसा भारती की लड़ाई कितनी मुश्किल है। पाटलिपुत्रा सीट का राजनीतिक इतिहास यही है कि 2014 में मीसा भारती हार गई और 2009 में लालू यादव हार गए। और पाटलिपुत्रा सीट का इतिहास यह भी है, दिलचस्प इतिहास है, कि किस तरीके से कभी लालू यादव के बेहद करीबी रहे नेताओं ने लालू परिवार के सदस्यों को मात दी है। एक बार लालू यादव को हरा दिया रंजन यादव ने, जेडीयू उम्मीदवार थे 2009 में, और 2014 में कभी लालू यादव के बेहद करीबी रहे रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को हरा दिया। तो मीसा भारती जिस रामकृपाल यादव से हार गई हैं उन्हीं से मुकाबला है पाटलिपुत्रा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में। जाहिर है ये लड़ाई मुश्किल है, हार का बदला लेने की चुनौती है। जो सीट लालू प्रसाद यादव नहीं जीत पाए, जिस सीट से मीसा भारती 2014 के चुनाव में हार गई, चुनौती है कि उस सीट को 2019 में जीत लिया जाए, इस सीट को अपने परिवार के या पार्टी के कब्जे में लाया जाए। तो मीसा भारती एक मुश्किल लड़ाई लड़ रही है और दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, उन पर आचार संहिता का मामला दर्ज हो गया है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।